कुक्रेसा बहुत अनसेफ जगह हुआ करती थी। आज जिस शहर को हम देख रहे हैं उसे यहाँ तक पहुँचाने में वॉर्डर्स ने लंबी लड़ाई लड़ी है। बरसों की मेहनत के बाद वॉर्डर्स ने हमारे लिए ग्रिसा को फिर से सेव कर दिया है। ये है ग्रेट प्रोटेक्टर मिस्टर मार्क का स्टैचू, वॉर्डर के एक कैप्टन और ग्रिसा के एक सच्चे नागरिक जिन्होंने गद्दार गार्सिया को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके किस्सों की किताबें और वॉर्डर्स की निशानियाँ हमारी गिफ्ट शॉप पर मिलती हैं। जहाँ हमारा मास्कॉट ग्रिजेल्डो द आर्मेडिलो आपके वेलकम के लिए तैयार है। आर्मेडिलोस ग्रिसा के जानवरों के बने हैं क्योंकि वे बहुत प्यारे क्रिएचर हैं जो मिट्टी में बहुत गहरा घुसना पसंद करते हैं और शहर के नीचे की मिट्टी बेशकीमती मिनरल से भरी हुई है, जैसा कि आगे आप हमारे जियोलॉजी सेशन में देखेंगे। हेलो प्यारे क्रिएचर, ये टेम्पररी जॉब है यार, मैं जब चाहूँ ये जॉब छोड़ सकता हूँ। काश मैं तुम्हारा भाई होता ही नहीं। चलो भी गुस्सा मत करो, क्या तुम दिन भर ये सुनकर पक नहीं जाते कि कैसे हमारे पिता को मिस्टर मार्क ने पकड़ा? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेवकूफ थे और हमें छोड़कर चले गए। लेकिन हे, तुम चाहो तो मैं भी अपनी क्राइम की दुनिया में वापस जा सकता हूँ। लंच टाइम बच्चों, सब बच्चे सीखना बंद कर दो, क्वीन वापस आ गई है। कम ऑन, तुम फिर से आ गए। मैं पैसों के लिए आई हूँ, बच्चों के साथ खेलने नहीं। डायनो सूट पहने एक क्रिमिनल ये बोल रहा है। आखिरी मौका। कम ऑन, मुझे इसके लिए पैसे थोड़ी मिलते। ठीक है, अब तो इसे फ्री में भी करूँगा। आज ग्रिजेल्डो कुछ गधों को धोएगा। अपनी आंखें बंद कर लो बच्चों। ठीक है, मुझे मेरे काउंटर पर वापस जाना है। बाय ब्रो, ग्रिजेल्डो अब जा रहा है। कभी कभी लगता है वॉर्डर्स किसी काम नहीं आते। फिर से मुसीबत से बचा लिया और म्यूजियम में शीरू की कोई स्टैचू नहीं है। काम पे लगो।